पता करें कि हम कहाँ पे हैं, तो वो है पार्क। ये कितने अच्छे फूल हो रहे हैं रेड वाले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नव्य तिवारी व्लॉग्स, और आप सभी को गुड मॉर्निंग पापा की तरफ से भी। तो अभी हम लोग की मोटी मोटी आवाज़ लग रही होगी क्योंकि हम लोग सुबह अभी आए हैं पार्क में टहलने। तो मैं और पापा अभी टहल रहे हैं पार्क में, आप देख सकते हैं। और भी पार्क में काफ़ी एक दो लोग और हैं, तो आपको दिखाते हैं। रक्षाबंधन था तो उस दिन छुट्टी नहीं थी पापा की ना, उसके एक दिन पहले थी, और जन्माष्टमी में उसके एक दिन बाद। तो जन्माष्टमी के अवसर पर आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितना अच्छा कान्हा झूला और कृष्ण राधे कितने अच्छे अच्छे तरह से सजाए गए हैं, और सारे भगवान जी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए एक एक करके दर्शन करते हैं। और अभी हम आए हुए हैं ये विनय खंड के मंदिर में। एक तो यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन हो गए, और इधर शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी हैं, और आगे काली माँ, और इसी तरह से नौ देवियों के रूप आगे रखे हुए हैं। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे माँ दुर्गा जी हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं लाते हुए तौलिया बाहर से। और मम्मी पापा अभी जा रहे हैं मार्केट, नमन भी जा रहा है। ठीक है, ठीक ठीक, बाय 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 बाय। ये देखो ये मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है, इसको सुना। चलो चलते, आओ भैया आओ। आई दीदी देखो, बाय करने के लिए भी नहीं आई। दीदी देखो, बाय करने के लिए भी नहीं आई। क्यों आएगी? सीधा अंदर लेट गई होंगी अपना। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मलिक टिम्बर, और यहाँ पे माँ माला बनवा रही हैं सुनार की दुकान के सामने। इतने सारे माले वाले बैठे हुए हैं माला बनाने वाले, तो उनसे माँ अपनी माला बनवा रही हैं। तो अभी मैं आपको मलिक टिम्बर मार्केट दिखाता हूँ। यहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे कृष्ण जी के ड्रेस और उनके झूले, और कृष्ण जी भी ऐसे सजाए हुए हैं। दीदी कह रही थी कि कृष्ण जी के लिए पगड़ी ले आना, तो अभी वही देखते हैं। यहाँ पे रखी भी हुई है पगड़ी, और कपड़े भी रखे हैं, लेकिन कपड़े तो हैं। हमारे मंदिर में देखिए कि कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और जन्माष्टमी पर इनके लिए मैंने इस तरह से ड्रेस पहनाई थी, सुंदर सुंदर पगड़ी पहनाई थी। और आप देख सकते हैं मंदिर का ये वाला पूरा सेक्शन मैंने कृष्ण जी का ही बना रखा है। तो कृष्ण जी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, पूरा पगड़ी पहन के, मुरली के साथ और माला के साथ, साथ ही साथ इसमें पीले पीले फूल, उनके पीला रंग उनको फेवरेट है, यानी पसंद है, तो इस वजह से पीले पीले फूल काफ़ी सुंदर लग रहे हैं कृष्ण जी। और आपको भी कृष्ण जी के दर्शन हो रहे हैं। जन्माष्टमी तो वैसे हो चुकी है, तो आपको ये ब्लॉग जन्माष्टमी के बाद ही मिलेगा। हमने आंटी जी के यहाँ, उन्होंने हमको झांकी पे बुलाया हुआ था, यानी कृष्ण जन्मोत्सव पर वो लोग हर बार भजन कीर्तन करवाते हैं, तो फिर उन्होंने बुलाया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से झांकी प्रस्तुत की गई है, सजाई गई है, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ यहाँ पे इस तरह से। बाकी नंद बाबा हो गए, और इस गेम में किसने किसको काट दिया। ओ मेरा चला गया।
मेरी चांस कौन चल रहा है इसमें, तब तक ढोलक रेडी है। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने अपने हाथ में लगाई थी मेहंदी, तो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इतनी बार बोलती हूँ कमेंट करके बताइएगा, हम लोग इतनी बार बोलते हैं लेकिन कोई कमेंट ही नहीं करता। कोई बात नहीं, आप लोग लाइक करते हैं, आप देखते हैं हमारे ब्लॉग को, इसीलिए हमको अच्छा लगता है, लेकिन कमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।